The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So blood donation. What should you know about blood donation? See, blood donation ek प्रोसेस है जो आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं लिया जा सकता। आपकी मर्जी से आप अपना खून दान करते हैं, डोनेट करते हैं टू सेव लाइफ, आप एक पूरी जान बचाते हैं जब भी आप कोई ब्लड डोनेट करते हैं। और ब्लड डोनेशन में ना सिर्फ ब्लड डोनेशन में ब्लड डोनेट होता है, ब्लड ब्लड के कई तरीके के होल टाइप्स होते हैं। Right, there are several types of blood donation which can help different people in different types of medical needs. एक तो होता है whole blood donation, right? This is the most common type of blood donation, जिसमें सारा का सारा blood लिया जाता है और जिसमें एक पूरा का पूरा blood निकाल लिया जाता है। Then blood can be separated, जिसके blood के अंदर जो parts हैं उसके parts separate किए जा सकते हैं। रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स, ये तीन चीजें। वन थिंग इज कॉल्ड एफेरेसिस। एफेरेसिस मींस आपको एक मशीन से हुक किया जाता है और वहां से आपके जो ब्लड है उसको कलेक्ट करके ना कंपोनेंट्स निकाले जा सकते हैं, यानी रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और बाकी का अनयूज कंपोनेंट आपको वापस डाल दिया जाता है। सो ये भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरा का पूरा ब्लड निकाला जाएगा, ऐसा नहीं है। यू कैन डू डोनेट ओनली प्लाज्मा, विच इज कॉल्ड प्लाज्मा डोनेशन, प्लाज्मा फेरेसिस, जिसमें एक लिक्विड पोर्शन होता है आपके ब्लड का, सिर्फ वो डोनेट होता है। दिस प्लाज्मा ये हेल्प करता है दूसरे किसी के ब्लड को इजीली क्लॉट होने में। अगर किसी का ब्लड बहुत पतला हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, तो ये प्लाज्मा डोनेट करके आप क्लॉट कर सकते हैं। और इसमें प्रोटीन्स होते हैं, इसमें कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हेल्प करते हैं बॉडी को नॉर्मल फंक्शन में। तो प्लाज्मा इज वेरी कॉमनली गिवन टू लिवर डिजीज पेशेंट, वो लिवर के अंदर आपका कोएगुलेशन प्रोफाइल्स होते हैं, बर्न पेशेंट को दिए जाते हैं, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स को दिए जाते हैं और इनको प्लाज्मा दिया जाता है क्योंकि उनको ब्लीडिंग हो सकती है। प्लेटलेट डोनेशन, प्लेटलेट डोनेशन मतलब सिर्फ प्लेटलेट कलेक्ट किए जाते हैं, बाकी सब वापस। सो ये ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए अगेन बहुत जरूरी है, क्लंपिंग, क्लॉट फॉर्मेशन के लिए। और प्लेटलेट डोनेशन दिया जाता है पेशेंट जिनको ल्यूकीमिया है, पेशेंट जो कीमोथेरेपी हो रही है जिनकी, जिनके बेबीज या छोटे छोटे बेबीज हैं जो सीवियर इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं, इन लोगों को प्लेटलेट दिए जाते हैं। देन देर इज रेड ब्लड सेल्स, रेड बेसिकली डबल रेड रेड सेल डोनेशन। दिस अलाउज यू एक डबल रेड ब्लड डोनेशन का मतलब है जितना भी आपके ब्लड निकालेंगे उसमें जो रेड ब्लड सेल निकलेंगे उससे डबल रेड ब्लड सेल डोनेट किए जा सकते हैं जितना नॉर्मली होल्ड ब्लड डोनेशन से मिलेगा। इससे क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। सो जिन पीपल को मेडिकल नीड है, जिनको रेड ब्लड सेल्स की कमी है, बहुत ज्यादा सीवियर ब्लड लॉस है, जैसे कोई चोट लग गई, इंजरी हो गई उन लोगों को, या सीरियस एनीमिया है या सीवियर डिजीज है उन लोगों को, ये सिर्फ रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज डोनेट किए जा सकते हैं। क्यों करते हैं, राइट? अगर ऑब्वियसली मिलियंस ऑफ पीपल को ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है और आप करोगे तो लोगों की जान बचेगी, है कि नहीं? इसलिए किया जाता है। रिस्क क्या है, आपको रिस्क क्या है? ब्लड डोनेशन इज सेफ, कोई रिस्क नहीं है। स्टराइल डिस्पोजेबल सीरिंजेस और नीडल्स यूज होनी चाहिए, बस इतनी चीज है। नवी, हर पेशेंट के लिए न्यू स्टराइल डिस्पोजेबल इक्विपमेंट शुड बी यूज एंड इट इज यूज ईच पेशेंट के लिए, राइट? देर इज नो रिस्क ऑफ कॉन्टेक्टिंग एनी ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन बाय डोनेटिंग ब्लड, जीरो जीरो रिस्क है। अनलेस एंड अंटिल आप वही नीडल दूसरों में सब में पोंखते जाओ, राइट? ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कहीं भी ना, पहले जमाना अलग था, अब नहीं है ऐसा जमाना। सो ब्लड डोनेशन इज कंप्लीटली सेफ एंड इफ यू आर अ हेल्दी एडल्ट यू कैन यूजुअली डोनेट वन यूनिट ऑफ ब्लड विदाउट एनी प्रॉब्लम टू योर हेल्थ। एक यूनिट ब्लड आप पूरा बिल्कुल आराम से डोनेट कर सकते हो और यहाँ तक के विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर आपका जो डोनेटेड ब्लड है आपकी बॉडी रिप्लेस कर लेगी उसको, वो लॉस फ्लूइड को।
द फ्लूइड विच इज लॉस्ट विल बी रिप्लेस्ड इन 24 आवर्स एंड आफ्टर सेवरल वीक्स जो रेड ब्लड सेल लॉस हुए हैं वो भी कुछ वीक के अंदर अंदर रिप्लेस हो जाएंगे. सो 1 to 2 यूनिट रादर यू कैन डू इट. सो अगेन वॉट इज द रिक्वायरमेंट राइट एलिजिबिलिटी किसका कर सकते हैं किसका नहीं कर सकते. एलिजिबिलिटी टू डोनेट होल ब्लड प्लाज्मा प्लेटलेट्स यू मस्ट बी नंबर 1 इन गुड हेल्थ ऑब्वियसली. अगर आप ही बीमार हो तो आपका ब्लड कैसे ले लेंगे, आप ही बीमार हो तो कैसे फायदा राइट. आपका उम्र एटलीस्ट 16 से 17 साल की होनी चाहिए कम से कम, डिपेंडिंग अपॉन आपके स्टेट में आपके आपकी कंट्री में क्या लॉ है राइट. कई बार लीगल पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं हर शहर में. और वजन आपका कम से कम 110 पाउंड होना चाहिए. 110 पाउंड मतलब अप्रोक्सीमेटली 55-50 केजी के ऊपर होना चाहिए कम से कम. और यू शुड बी एबल टू पास द फिजिकल एंड हेल्थ हिस्ट्री असेसमेंट बाय अ डॉक्टर. आपका फिजिकल एग्जामिनेशन और हेल्थ हिस्ट्री असेसमेंट होता है. अगर आपको मेजर बीमारियां हैं समझ लो कोई मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन है, किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, किसी को सीवियर कोई और मान लीजिए प्रॉब्लम है तो उनको ये नहीं किया जा सकता. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है हर एक सेंटर टू सेंटर में और लोकल सेंटर स्पेसिफिक भी देखना होता है डिपेंडिंग अपॉन द एरिया राइट. फिर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ खाएं बिफोर द बिफोर फूड एंड मेडिसिन आपको याद रखनी है. नंबर 1 बिफोर ब्लड डोनेशन यू नीड टू हैव प्लेंटी ऑफ स्लीप. अच्छे से नींद लेनी है और जब भी आप एक रात पहले जब भी आप प्लान कर रहे हो डोनेट करने के लिए हेल्दी मील खानी है बिफोर यू डोनेट. कोई भी फैटी फूड हैमबर्गर फ्रेंच फ्राइज आइसक्रीम नहीं खानी डोनेशन से पहले. इन्फेक्शन के लिए टेस्ट किए जाते हैं आपके और ब्लड के अंदर काफ़ी सारे अगर क्योंकि जब भी डोनेट हो जाता है ना ब्लड तो ब्लड अफेक्टेड है कि नहीं है इन्फेक्शन के लिए उसके लिए फैट सेल्स फैट्स दैट अपियर इन योर ब्लड फॉर सेवरल आवर्स आफ्टर फैटी ईटिंग फूड तो वो हिंडर करेंगे टेस्ट रिपोर्ट्स को. और पानी पीना है आपको कम से कम हाफ अ लीटर ऑफ वाटर आधा लीटर पानी 16 ounces 17 ounces और या अदर फ्लूइड बिफोर डोनेशन. आधा लीटर पानी अच्छे से पी के आइए. एंड देन इफ यू आर अ प्लेटलेट डोनर के लिए यू मस्ट नॉट टेक कोई भी एंटी प्लेटलेट दवाई ने एस्पिरिन या कोई अदर ऐसी कोई एंटी प्लेटलेट दवाई अगर आप ले रहे हो खून पतला करने की तो 2 दिन तक वो नहीं लेना है. अदरवाइज आपका नॉर्मल आपका ब्लड डोनेशन नहीं हो पाएगा. अदरवाइज कोई और दूसरी दवाई है वो आप ले सकते हो. रिमेंबर ऑल दीज थिंग. जी हाँ आप कोलेस्ट्रॉल की दवा ले सकते हो, आप शुगर की दवा ले सकते हो, आप बीपी की दवा ले सकते हो. और ये क्राइटेरिया नहीं है कि आपको बीपी कोलेस्ट्रॉल शुगर है तो आपका ब्लड डोनेट नहीं कर सकते. नो ऐसा नहीं है. आपका शुगर कंट्रोल में होनी चाहिए, बीपी कंट्रोल में होना चाहिए, दैट्स इट उस समय. देन व्हाट इज द प्रोसीजर. प्रोसीजर क्या है, ऑब्वियसली सुई लगाई जाती है, निकाला जाता है. ब्लड निकालने के बाद क्या किया जाएगा. आफ्टर द प्रोसीजर आपको डोनेशन हो गया उसके बाद आपको रेस्ट करना होगा और एक स्लाइट स्नैक लेना होगा. 15 मिनट के बाद आप जा सकोगे. तो थोड़ा बहुत स्नैक मतलब मेक श्योर कुछ आपको वहीं दिया जाएगा जहां से डोनेट करेंगे और 15 मिनट के बाद आप घर जाओगे. घर जाके याद रखिए कि एक्स्ट्रा फ्लूइड लेना है, एक्स्ट्रा पानी लेना है आपको अगले 1 या 2 दिन के लिए. कोई भी स्ट्रेनस एक्टिविटी हैवी लिफ्टिंग अगले 5 घंटे के लिए, अभी ब्लड डोनेट करके अभी जिम जा रहे हैं ऐसा नहीं करना राइट. 5 घंटे तक रुक जाना है, बॉडी को थोड़ा सा समय दो अडेप्ट करने के लिए. अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, लाइट हेडेड लग रहा है तो लेट जाइए और पैर ऊपर कर लीजिए तब तक जब तक वो चक्कर खत्म नहीं हो जाते. अपना जो बैंडेज है आर्म पे रखना है जब तक वो आराम से सूख ना जाए 5 घंटे के लिए, ठीक है. जो बैंडेज लगती है छोटी वाली, अगर आपको वहां से ब्लीडिंग हो रही है तो बैंडेज हटा के प्रेशर से दबा के रखिए उसको, 2-4 मिनट वो ठीक हो जाएगा. अगर ब्लीडिंग या ब्रूजिंग हो रही है तो कोल्ड पैक भी लगा सकते हो पहले 24 घंटे के लिए वहां पर. ऑब्वियसली सुई लगी है तो चोट लग सकती, चोट ब्लीडिंग हो सकती है, ऑल द चांसेस आर देयर. अगर आपका आर्म दर्द कर रहा है, पेन नहीं जा रहा, तब आप फिर पेन किलर ले सकते हैं. एस्पिरिन डेस्पिरिन डिस्पिरिन नहीं लेना है. आपने लेना है तो सिर्फ पैरासिटामोल एसिटामिनोफेन, वो भी फर्स्ट 24 to 48 आवर्स के बीच में अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है. और अगर इसके अलावा कोई और दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं. जैसे आपको चक्कर ही आ रहे हैं, नहीं ठीक हो रहे, बेहोशी सी लग रही है, कोई बम्प सा आ रहा है, पेन टिंगलिंग आर्म में पूरे जा रहा है,
राइट। सो कई बार अगर वो सुई जो है वो खून की नस की जगह इलेक्ट्रिकल नस में चले जाए तो कोई कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसीलिए ऑब्वियसली एक ट्रेंड पर्सन उसको निकालता है, कोई भी नौसिखिया उठा के सुई या नहीं घुसाता आपके अंदर। सो अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब भी सुई डालते हैं माइनर कॉम्प्लिकेशन के रिस्क होते हैं, बट 99% ऐसा कुछ नहीं होता। देन अगेन जब जो ब्लड आप दे देते हो उसकी टेस्टिंग होती है, राइट। जो ब्लड आप दे रहे हो उसका क्या होता है, पहला तो टेस्टिंग होती है ब्लड टाइप डिटरमाइन करने के लिए कि आपका टाइप ए है, बी है, ए बी है या ओ है। ब्लड टाइप और आरएच फैक्टर कौन सा है, आरएच नेगेटिव, आरएच पॉजिटिव। आरएच फैक्टर मतलब एक स्पेसिफिक एंटीजन होता है जो ब्लड के अंदर मिलता है, और ये एंटीजन केपेबल होता है जिसको आप ब्लड दोगे उसके अंदर इम्यून ऑटो इम्यून रिएक्शन पैदा करने के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करने के लिए। सो इसीलिए इसको टेस्ट करना जरूरी है आरएच फैक्टर को। आपको आरएच पॉजिटिव या आरएच नेगेटिव दिया जाएगा, मतलब आपको वो एंटीजन है या एंटीजन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो अगेन इम्यून रिएक्शन ना कर दे, ब्लड कॉन्ट्रास्ट कम हो जाए, वो प्रॉब्लम ना आ जाए, राइट। उसके बाद आपका ब्लड में टेस्ट किए जाएंगे ब्लड बॉर्न डिजीजेस के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, एचआईवी के लिए, सिफिलिस के लिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए। सारी चीजें नेगेटिव है तो फिर ब्लड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, जहां भी जाना है। और अगर कोई भी चीज पॉजिटिव आती है तो आपको राइट आपको जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है उनको नोटिफाई किया जाता है कि भाई साहब आपने ब्लड डोनेट किया, आपका हेपेटाइटिस पॉजिटिव आ गया, डॉक्टर को दिखाओ और आपका जो ब्लड है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए, वो फिर किसी को नहीं दिया जाता। सो ये बेसिक प्रोसीजर है आपके ब्लड टेस्टिंग, ब्लड डोनेशन का, और इस तरह से होता है सेफ प्रोटोकॉल। तो अगर आपको कोई मेजर बीमारी आप डोनेट नहीं कर पाओगे, अगर आपको माइनर इश्यूज हैं जैसे मैंने कहा उसके अगर कंट्रोल्ड है वो इशू तो यस, इवन इफ इट इज अ क्रोनिक डिजीज, आर्थराइटिस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, यस यू कैन डोनेट इफ दीज आर अंडर कंट्रोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड डोनेशन। आई होप यू गॉट द जिस्ट ऑफ द थिंग, आपको समझ आया वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई सवाल हो तो जरूर लिखिए।